गुड मॉर्निंग क्यूट फेसेस, माई सेल्फ सरिता चौधरी, पीजीटी साइंस टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टॉक. स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो आर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड नंबर टू विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द फूड फ्रॉम एनिमल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स. चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर नंबर वन food production, we studied a lot of agricultural practices like the preparation of the soil, then sown of seeds in that soil, irrigation, protection from the weeds and improving the soil fertility, and at last the harvesting. All these agricultural practices will be spoiled, will be wasted if those harvested grains are not stored properly. उनको प्रॉपरली अगर स्टोर नहीं किया तो फार्मर की जितनी भी मेहनत है इतने मंथ की वो सारी क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है. स्टूडेंट, सीड्स आर टू बी स्टोर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, पेस्ट, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन सब चीजों से ग्रेन्स को, हार्वेस्टेड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं. स्टूडेंट, जो ग्रेन्स हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन देम. सो अगर उनको उस मॉइस्चर कंटेंट के साथ ही अगर स्टोर करके कहीं पे रखते हैं, इन दैट केस दैट प्लेस विल बी प्रोन फॉर द इन्फेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे विल बी अफेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उनका प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा सीड्स का. सो सबसे पहले द फर्स्ट प्रैक्टिस इन द स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स डन बाय द फार्मर्स इज दैट द सीड्स, हार्वेस्टेड सीड्स, दे आर सन ड्राइड. दे आर लेफ्ट इन द फील्ड सो दैट दे कैन गेट ड्राई इन ओपन सनशाइन. उनको फील्ड के अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि वो सनशाइन में अच्छे से ड्राई हो सके, उनका मॉइस्चर कंटेंट काफी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए. Now, अब हमने इतनी बात कर ली कि उनको स्टोर, हम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेप स्टोरेज, उनको क्यों स्टोर कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप उनको ड्राई किया. नाउ कम हाउ दे आर स्टोर्ड. क्या ऐसे कुछ कंटेनर्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर उनको स्टोर करके रखते हैं. सो द स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स दैट कैन बी डन ऑन टू स्केल्स. फर्स्ट इज ऑन स्मॉल स्केल, सेकेंड वी कैन स्टडी ऑन दी लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल पे जैसे हमारे घरों में हम स्टोर करके रखते हैं, यू मस्ट हैव सीन योर मदर्स यूजिंग द ड्राई नीम लीव टू कीप इन द कंटेनर, जनरली मेटल के कंटेनर्स और अर्थन कंटेनर्स को यूज किया जाता है, एंड उनके अंदर ड्राइड नीम लीव को रख देते हैं. वी नो वेरी वेल दैट नीम इज अ प्लांट विच हैज अ एंटी फंगल प्रॉपर्टी. तो वो वहां पे फंगस इन्फेक्शन जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उनको प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करने देंगे, तो सीड्स वहां पे प्रोटेक्टेड रहते हैं. तो घर पे हम ड्राई नीम लीव को यूज कर सकते हैं. अर्थन पॉट्स हैं, स्मॉल मेटल बिन्स होते हैं, उनके अंदर स्टोर करके रखते हैं, और दे कैन बी स्टोर्ड इन दी गनी बैग्स और जूट बैग्स ऑल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लार्ज स्केल. लार्ज स्केल पर वो कैसे स्टोर करके रखेंगे. ऑन द लार्ज स्केल चिल्ड्रन, ग्रीन्स दे कैन बी स्टोर इन सिलोज. अभी सिलोज क्या होते हैं, दीज आर द लार्ज कंटेनर्स, बहुत लंबे लंबे मेटल के कंटेनर्स होते हैं, राइट, एंड दे हैव प्रॉपर स्पेस इन बिटवीन देम एंड दे हैव ओपनिंग ऑल्सो. तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम दोज ओपनिंग्स ग्रीन्स कैन बी टेकन आउट फॉर द फर्दर यूज. तो दीज आर कॉल्ड सिलोज. बहुत बड़े लेवल पे जब इनको स्टोर करते हैं ग्रीन्स को, तो दे कैन बी स्टोर इन सिलोज. The second container, these are called as the granaries or the godown. बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब इनको स्टोर करके रखते हैं, कुछ गवर्नमेंट ओन्ड गोडाउन होते हैं, उनके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. इतने बड़े लेवल पे उनको स्टोर करके रखने का क्या बेसिक रीजन है. द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज दैट द ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड फॉर अ टाइम पीरियड बिटवीन टू हार्वेस्ट. Like, एक बार हमने हार्वेस्टेड ग्रेन्स ऑब्टेन कर लिए हैं, अब 4-5 मंथ के बाद अगर हमें दोबारा हार्वेस्टेड ग्रेन्स मिलने वाले हैं, हम क्रॉप को यील्डिंग करने वाले हैं, तो जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए काफी सारी पॉपुलेशन के लिए ग्रेन्स अवेलेबल हो, इसके लिए उनको गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं. एंड सेकेंड रीजन, हो सकता है कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाए, प्रॉपर रेनफॉल ना हो, प्रॉपर कंडीशंस ना हो, कि नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर क्रॉप यील्डिंग हो ही ना पाए, तो उसके लिए भी बहुत बड़े लेवल पे कुछ गवर्नमेंट ओन्ड गोडाउन के अंदर हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं.
Children, next we are going to study what are the care we must be take to store the harvested grains. क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब भी हम grains को store करते हैं. The first care is they should be stored away from moisture. हमने ऑलरेडी बात कर ली, अगर ग्रीन्स के अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन ग्रो वेरी इजीली एंड दे कैन स्पॉइल द हार्वेस्टेड ग्रीन्स, उनको स्पॉइल कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, दे शुड बी सन ड्राइड प्रॉपरली ताकि उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे. द सेकेंड केयर इज दे शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम रेन, उनको हमेशा रेन से दूर रखना है, प्रॉपरली स्टोर करके रखना है. अगेन वही फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है ये टर्म भी, कि अगर रेन होगा तो मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे ग्रेन, और जैसे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. द थर्ड केयर इज दे शुड बी कैप्ट इन एयर टाइट गोडाउन, उनको जब भी हम किसी कंटेनर में रख रहे हैं या सिलो उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं और दे आर स्टोर इन अ गोडाउन, तो दे शुड बी कम्प्लीटली एयर टाइट, वहां पे एयर नहीं हो. बिकॉज वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर, इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर ऑल्सो, बहुत सारा मॉइस्चर ऑलरेडी एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको भी ग्रेन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहां पे मॉइस्चर आ जाएगा. दैट्स व्हाई दे शुड बी स्टोर्ड इन दी एयर टाइट कंटेनर्स. द नेक्स्ट केयर इज दे शुड बी कैप्ट इन प्रॉपर बैग, अब इनको प्रॉपर बैग में स्टोर करके रखने का क्या बेसिक रीजन है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. If they are supposed to be transported from one place to the other place, तो अगर वो properly bag के अंदर सो के रखेंगे तो उनका transportation easy हो जाएगा. So children, that's all about the storage of the harvested grains. Next discuss करते हैं next topic of our today's video, that is food from animals. अब your junior classes, you have read a lot of about it. कि आपको पता है कि what are the basic food sources for us. Some of the organisms are dependent on the plants only. Some of the organisms are dependent on the animals. So, हमारे लिए food के sources क्या हैं? Plants as well as the animals. And we had a great detailed study about the plant sources. हमने पूरी agricultural practices को यहाँ पे discuss हम already कर चुके हैं अपने previous videos के अंदर. अब बात करते हैं animals से. So, animals are the good sources of a lot of food items for us. बहुत सारे हमें food items मिल रहे हैं. In order to provide a good quality of food, those animals, जो animals हैं, they need the proper care, the proper food and protection from the diseases and proper shelter. ये सब उनकी basic needs हैं. So students, here we are going to introduce one more terminology of science, that is animal husbandry. क्या होता है animal husbandry? It is a science which deals with breeding. Breeding means reproduction, giving birth to the new one. So science which deals with the breeding, feeding and care of domestic animals for human use, that is called as the animal husbandry. Uski hum yahan pe baat kar rahe hain. So the animal food, jo hum animal sources se obtain kar rahe hain food ko, that can be classified into four categories. What these categories are, let's have a look over here. The first one is the pisciculture. What is the pisciculture? It is the rearing of the fishes for human use. That is called as the pisciculture. Because we know that jo fish hoti hain, unme bahut sara resource ho. Kaafi sare plant products ke andar bhi vitamins, minerals, carbohydrates, fats sab hote hain. But jo animals hain, they have higher amount of proteins and vitamins in the comparison of the plant sources. And moreover that, जो plant sources हम लेते हैं proteins, vitamins, they take time to digest in our body. But जो animal sources से proteins मिलते हैं, they are easy to digest in our body. वो हमारी body में easily digest हो जाते हैं. So fish से बहुत सारा अच्छे amount में protein मिल जाता है, vitamin D के good sources होती हैं, right? Next one is the apiculture. Apiculture word refers for the rearing of honey bees. Bees की rearing करते हैं. क्योंकि बीन्स के अंदर बहुत सारा शुगर एंड मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको भी हम फूड सोर्सेज के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं. द थर्ड वन इज पोल्ट्री. पोल्ट्री मीन्स रेयरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर ह्यूमन यूज टू गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम देम, राइट? दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज द पोल्ट्री. एंड द फोर्थ वन इज डेयरिंग. अब डेयरिंग के अंदर क्या होता है?
रेयरिंग ऑफ एनिमल टू ऑब्टेन मिल्क प्रोडक्ट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए अगर हम एनिमल की रेयरिंग कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ डेयरिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड फ्रॉम एनिमल्स। Here our chapter number 1 of science, food production, that is completed. In the next video, we'll start with a new chapter. Till then, thanks for watching.